सही कह रहे हैं। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2017 शो द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये एंड हुआ बस, क्या क्या गिवन है? टोटल एसेट्स दिए हुए, टोटल लायबिलिटीज दिए हुए, नेट प्रॉफिट दिया हुआ। व्हाइल रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड। नंबर वन, टीएल कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1st जनवरी 2017। करंट ईयर का स्टार्ट बनता है। फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इंकर्ड अप टू द लॉन्चिंग डेट ऑफ 1st अक्टूबर 2017 एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इनटेंजिबल एसेट। सेकेंड लाइन जो पड़ी, ये फॉलोइंग्स आगे, इसको जरा पढ़ के ट्रांसलेट कर दो। कब से कब तक ये खर्चे हुए और इनका क्या किया? ये बनाना क्या शुरू किए? नई प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किए, और जितना खर्चा हुआ हुआ कितना होता? 692। वो सारा का सारा इनटेंजिबल एसेट के तौर पे डेबिट हो गया। कोई एंट्री बताएंगे? इनटेंजिबल डेबिट कैश या पेबल पे इनटेंजिबल डेबिट हो गया। अब इसकी एक लिस्ट बनी हुई है, स्टाफ सैलरी, सैलरी, इक्विपमेंट हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, कंज्यूमेबल्स, कंसल्टेंट फी। पेज नंबर 480 418 निकालना जरा। पेज नंबर 418, इसके पिछले सफे पे जो खाली था, आपने जरा एक छोटी सी एक स्टोरी लिखी थी अपने हाथ से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आपने करनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनता है, ऐसे ही है सर। जब तक क्राइटेरिया मीट ना हो तो उसके अंदर जितने खर्चे हैं वो एक्सपेंस आउट होंगे। उसके अंदर कौन सा खर्चे हैं? नहीं, उसके अंदर रिसर्च के कौन से खर्चे हैं? रिसर्च पे कौन सा खर्चा होगा? मटेरियल लगेगा, केमिकल्स, जड़ी बूटियां, लेबर लगेगी, ओवरहेड्स लगेंगे। ओवरहेड्स के कोई एग्जांपल, रेंट, यूटिलिटी बिल्स, यही मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो अगर है क्राइटेरिया मीट होने से पहले लगेंगे तो एक्सपेंस आउट होने, और अगर क्राइटेरिया मीट होने के बाद लगेंगे तो कैपिटलाइज होने एज एन इनटेंजिबल एसेट। वापस आ जाओ, स्टाफ सैलरी देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो स्टाफ की सैलरी जो इस डेवलपमेंट कॉस्ट डेवलपमेंट करते हुए इंकर हुई है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, लेकिन क्या सारी? ये कहलाता बहस, ये कहलाता बहस। इक्विपमेंट पे, इक्विपमेंट भी कैपिटलाइज होना चाहिए एज एन इनटेंजिबल एसेट। इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट होगा, इसे कैपिटलाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएएस 16, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन, अगर इसकी डेप्रिसिएशन अगर यूज हुई है किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में, तो जितना अर्सा वो एसेट इस्तेमाल हुआ है उस रेलिवेंट टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होनी चाहिए। ये आता है किसी के जहन में? बस उनको, हाँ जी, नहीं ठीक है वो, बस फॉर एग्जाम्पल एक क्रेन इस्तेमाल हो रही है, बिल्डिंगें बन रही होती हैं, बिल्डिंग बन रही है, क्रेन यूज हो रही है, तो क्रेन की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होगी उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन में जितना अर्सा वो क्रेन इस्तेमाल हुई है। इसी तरह अगर कोई टेंजिबल एसेट किसी इनटेंजिबल एसेट को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, पर टेंजिबल एसेट किसी इनटेंजिबल एसेट फॉर्मूला को बनाने में इस्तेमाल हुआ है, तो उस रेलिवेंट टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होगी, और अदरवाइज जो डेप्रिसिएशन होगा प्रॉफिट लॉस में। तो इक्विपमेंट एज अ होल इनटेंजिबल एसेट के तौर पर डेबिट नहीं होगा, उसकी डेप्रिसिएशन जितने रेलिवेंट अर्से की बनती है वो यकीनन कैपिटलाइज होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उसने क्या किया है, ये सारा 692 कैपिटलाइज हुआ हुआ और उसमें इक्विपमेंट भी है, हमें शायद कुछ रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब कंज्यूमेबल्स आगे लिखा हुआ, ये क्या हो सकता है कंज्यूमेबल्स? हाँ जी, मटेरियल्स कंज्यूम हो रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर एक कंसल्टेंट फी है, कंसल्टेंट फी का मतलब क्या होगा? कोई एक्सपर्ट रखा है, उसने फीस ले ली है, ये भी अगर क्राइटेरिया मीट हो गया कैपिटलाइजेशन का तो
कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, और अगर पहले है रिसर्च फेज में है तो एक्सपेंस आउट होनी चाहिए। डन सर। टेबल के नीचे लाइन अंडरलाइन करें, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वॉज मेट ऑन। यार इंटरनली जनरेटेड अगर हो तो कैपिटलाइज ही नहीं होता। ना 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 ना, पेज नंबर 418 पे दोबारा जाए। कौन सी आइटम्स अगर इंटरनली जनरेटेड हो तो फिर कैपिटलाइज नहीं होती? गुडविल है, ब्रांड है, नेस्टेड है, पब्लिशिंग टाइटल है, कस्टमर लिस्ट है। लेकिन एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे अगर कोई फॉर्मूला बना रहे हैं वो भी तो इंटरनली जनरेटेड है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये नहीं कि कोई भी इंटरनली जनरेटेड एसेट रिकॉर्ड नहीं होना, वो इसकी एक लिस्ट है वो हमने ज़हन में रखनी है। अदरवाइज अगर कोई सॉफ्टवेयर खुद से बना रहे हैं या फार्मूला खुद से बना रहे हैं तो वो कैपिटलाइज हो सकता है, और उसी पे सारी बहस हुई थी पेज नंबर 419। ठीक है, तो बार बार मैं पीछे इसलिए जाऊंगा क्योंकि एक तो जरा गैप भी आ गया और फाइनली जरा चीजें सही कंप्लीट भी हो रहे हैं। तो आ जाए जी, अब क्राइटेरिया कब मीट हुआ? दोबारा ऊपर जाए जो ऊपर लाइन लिखी थी उसने। अब ये जो 692 का खर्चा है ये कब से कब तक हुआ है? तो 1 मार्च तक जो खर्चा हुआ है वो एक्सपेंस आउट ही होना चाहिए, चाहे डेवलपमेंट फेज में हुआ है। कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट होने के बाद ऑनवर्ड खर्चे कैपिटलाइज होंगे। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली, ये बात तो मेरे ख्याल बार बार होगी ऐसे ही, इवनली इक्वली। अब कितने मंथ का खर्चा है ये ऊपर जाए, मेरा ख्याल अक्टूबर एंड हुआ हुआ तो 10 महीनों का खर्चा, सॉरी अक्टूबर स्टार्ट है, 9 मंथ्स का खर्चा है। तो इसे 9 मंथ्स से डिवाइड करके अकॉर्डिंगली 2 मंथ्स और शायद 5 मंथ्स में ब्रेक किया था। लेकिन एक्सेप्ट कह रहा है एक्सेप्ट इक्विपमेंट विच वॉज परचेज स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्ट ऑन, इक्विपमेंट स्पेसिफिकली खरीदा गया इस प्रोडक्ट के लिए 1 जनवरी 2017। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी 10 ईयर्स। हाउएवर टीएल हैड नॉट चार्ज्ड एनी अमोर्टाइजेशन इन 2017। ये आपका क्या जहन कहता है कि अमोर्टाइजेशन इस साल बनती है? बनती है सर, कौन से महीनों की? हाँ जी, एसेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अमोर्टाइजेशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब आ जाए, पहले इसी की वर्किंग लिखने बाद में पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। आधा का पेज छोड़ दें जो हमने एडजस्टमेंट्स करनी है वर्किंग में। प्लीज पढ़ना है यार, हफ्ते यार, जिस दिन भी हम ये कहते हैं अगले दिन मैं आता ही नहीं, अगले दिन मैं नहीं आता पाया होता। वर्किंग्स, ये पूरा पॉइंट आपने पढ़ लिया है, क्या पहले कुछ हुआ होगा? कैपिटलाइज हुआ होगा क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम? ऑब्वियस प्रॉब्लम्स आप बताएं, छुपी हुई प्रॉब्लम्स मैं ढूंढ के बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो इक्विपमेंट वाला मसला हल करना। हाँ जी, डबल एंट्री करना, मेरे ख्याल उसको अलग अलग ही करना। पहले इक्विपमेंट निकाल देंगे, इक्विपमेंट डेबिट। हाँ जी, इनटेंजिबल एसेट पे कहाँ ये फिगर्स कैपिटलाइज हो गई हैं? तो इक्विपमेंट डेबिट होना मीन्स हमें ये इतराज नहीं कि ये कैपिटलाइज क्यों हुआ है, लेकिन हमारा ये इतराज बिल्कुल ठीक है कि एज एन इनटेंजिबल एसेट ये डेबिट ना हो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसको डेबिट होना चाहिए था। एनी कंफ्यूजन? अच्छा, मैं एंट्रीज आप लिख रहा हूँ, आप बताएंगे किस दिन लिख रहा हूँ? ये ईयर एंड पे लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं ये जी। इसकी कोई डेप्रिसिएशन का डिसीजन किसकी? इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन का कोई डिसीजन? कंसंट्रेट करना फुल, नहीं कैपिटलाइज तो बेटा आपने कर ली है, कोई इसको डेप्रिशिएट करना? इक्विपमेंट नहीं डेप्रिशिएट होना, कैसे? छोड़ दें लिखना। 360 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय, ना 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 ना, गलत गलत गलत, पूरा साल डेप्रिशिएट पूरा साल होना है। आंसर एक सेकंड, आंसर बताएं। 72 डेप्रिशिएट पूरा साल होना है। एंट्री मेरे से सुने, accumulated depreciation कितने से credit? 72 accumulated depreciation of equipment, equipment ने 72 से कम होना है इसमें से, लेकिन capitalize कितना होना है? capitalize कितना होना है, कितने time period का होना है?
कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े, कितने मंथ्स, कितने मंथ्स, कौन से 7 मंथ्स, फर्स्ट जनवरी से नहीं, फर्स्ट जनवरी से फर्स्ट मार्च तक तो 2 महीने ये एक्सपेंस आउट ही होने, क्योंकि उस वक्त क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन मीट ही नहीं हुआ था, लेकिन मार्च से लेके अक्टूबर तक 7 महीने बनते हैं, शायद 7 बनते हैं, गिनने गिनने गिनना अलाउड है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अक्टूबर क्यों नहीं गिनेंगे, अक्टूबर का तो 60 हुआ, सितंबर तक गिनेंगे, तो वर्किंग कैसे कर रहा हूँ बोर्ड पे देखा जरा, 72 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 और बाकी जो 5 महीने बचे वो कैसे कैसे कैसे, 5 कैसे बने, 5 बने कैसे, 2 पहले वाले और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 3 महीने, इसके अगेंस्ट पे डेप्रिसिएशन करें, अमाउंट्स बताओ 42 एंड 30, देखें यहाँ जी, एक सेकंड नहीं अमोर्टाइजेशन भी है मसला, 1 सेकंड, कौन सा 7 है जी, मार्च टू सितंबर, तो बाद में तो फिर 3 महीने है, मैंने 5 कैसे बना दिए, हाँ जी पहले 2 में क्या मसला और आखिरी 3 महीने एसेटी कंप्लीट हो गया, कैपिटलाइजेशन कब तक जारी रहती है, हाँ जी एसेट अवेलेबल फॉर यूज अगर हो जाए तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स फिर एक्सपेंस आउट होते हैं, ये मेंशन कर ले मेरे ख्याल 7 कौन से 5 कौन से, अगर डायरेक्टली हवा पड़ रही है तो अपना टेस्ट ना ले, अब वो बातें नहीं नहीं वो जमाना और था जब सीए में हम नहीं थे, सीए में आने के बाद दुनिया बदल गई, पढ़ 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 के अब वीक हो गए जी, दोबारा डाटा गौर से देखें, एक अभी है मसला मोटराइजेशन से पहले है, ट्राई करें जरा ढूंढने की, हाँ जी ये जो स्टाफ सैलरीज वगैरह है ये सारा कितने अरसे का खर्चा है, नहीं खर्चा है ही कितने अरसे का, 9 मंथ्स का है, तो इक्विपमेंट है तो कैपिटलाइज होना नहीं था, कैलकुलेटर पकड़ना जरा 692 लिखा कैलकुलेटर पे, बताइए क्या है, ये बड़ा इक्विपमेंट कैपिटलाइज हुआ है इंटेंजिबल एसेट में, तो जिशान साहब इक्विपमेंट है वो इंटेंजिबल एसेट तो नहीं ना, उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एंगल से डेप्रिशिएट, सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के एंगल से डेबिट होना चाहिए था, उसकी मैंने क्लासिफिकेशन बदली है, इंटेंजिबल एसेट में ये चीजें डेबिट हुई हैं, प्लीज फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एंड डेबिटेड टू कैपिटल वर्क इन इंटेंजिबल एसेट, तो ये इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये टेंजिबल एसेट है, हाँ इसकी जो डेप्रिसिएशन रेलिवेंट टाइम पीरियड की है वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, कैलकुलेटर पर लिखें 692, इसमें से माइनस करें 360, ये बताएं मैंने क्या करवाया, टोटल में से मैंने इक्विपमेंट तो अलग करवा दी है, वो तो अलग हमने वर्किंग कर दी है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट आई ये भी कैपिटलाइज हुई भी है इंटेंजिबल एसेट में, तो इसका प्रॉब्लम अब क्या है, इसमें से भी 7 मंथ्स की तो ठीक है, लेकिन ये जो 2 महीनों की एक्स्ट्रा कैपिटलाइज हुई है वो एक्सपेंस आउट होनी चाहिए, तो ये 692 माइनस 360 रिमेनिंग अमाउंट है जो कैपिटलाइज है, हमारा इतराज इस पे 2 महीनों का या 7 महीनों का, इसकी वर्किंग एक्सटेंड करवाएं, पहले सुन लें सारी बात, 692 माइनस 360 डिवाइड बाय बताएं 9 कहां से आ गया, जनवरी से 1 अक्टूबर 9 मंथ्स का ये खर्चा है इवनली, और मल्टीप्लाइड बाय कौन से 2, जनवरी फरवरी उस टाइम पीरियड की जो अमाउंट है वो हम एक्सपेंस आउट कर देंगे, बाकी फिर 7 मंथ्स की कैपिटलाइज्ड है, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज बना रहे हैं, 2 महीनों की अमाउंट एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी, तो एंट्री बताएं एक्सपेंस का नाम रख लें भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस कर दे, इनटैंजिबल एसेट लिखे जी, ठीक है निशान साहब, अमाउंट बनती है शायद 73.6
7 8 जी, ऑनलाइन सर 7 चल रहे। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? एक आखिरी काम आप बताएं, किसकी मोनेटाइजेशन? ये खुद से वर्किंग कर रहा है। कोशिश करें। जी ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप अपनी मोटिवेशन भेजें। जी कितनी? 30। जी कोई और फिगर? 184। वो इतना एसेट नहीं है। जुल्म पे जुल्म पे जुल्म ना करें यार, ये तो गलत, बिल्कुल ही गलत तब जा रहे हैं। हाँ जी, 7.51 समथिंग कैसे? 692 पे कैपिटलाइज था। अब ये तो अमाउंट ही गलत थी, इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुई काफी। एंट्री देखें, -360 +42 कहां से आ गया? डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज हुई और -73.78 जो 2 महीनों का खर्चा था। अगर पहले अमाउंट ठीक नहीं बनाएंगे फिर आपकी मोनेटाइजेशन भी ठीक करनी पड़ जानी है। तो इन करेक्ट अमाउंट थी इंटेंजिबल एसेट की, पहले उसको ठीक करें, दोबारा रिपीट करें, कहां कहां से कहां फिगर आई है। गिवन है 6692, 360 क्या निकाला? इक्विपमेंट वाला 42 क्या ऐड की है? उसकी 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी ऐड हो गई, -73.78 जो 2 महीनों का खर्चा था। तो फाइनली यहां तक आंसर आया शायद 300 पॉइंट। ये टोटल अब फाइनली इंटेंजिबल एसेट की अमाउंट है जिसपे कैपिटलाइज होना है। डिवाइड बाय बताएं, 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12, कौन से 3? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 3 मंथ्स। होपफुली क्लियर हो गया भैया जी। एंट्री आंसर अमोर्टाइजेशन डेबिट, अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट अमाउंटिंग टू रुपीज 7.51। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके जी, कौन कौन से हेडिंग्स हुई जी, जरा दोबारा रिवाइज करके बता दें। पहला काम क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, अपने आप को बता लो। इक्विपमेंट को तो कैपिटलाइज होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, उसको डेप्रिशिएट जरूर होना चाहिए था, लेकिन उसके 7 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज होना चाहिए था। देन उसके बाद जो रिमेनिंग खर्चा था उसमें से भी 2 मंथ्स का एक्सपेंस आउट होना चाहिए था कैपिटलाइजेशन से पहले, कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया से पहले। और फाइनली फिर अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट की चार्ज होनी चाहिए है ऑफ द मंथ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। सेकेंड पॉइंट पर ये जनवरी जनवरी फरवरी में जब यूनेसफ क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था तो ये उन महीनों का खर्चा 692 में इक्विपमेंट तो आना नहीं चाहिए था, जो रेमेनिंग खर्चा है
उसमें से 2 मंथ का एक्सपेंस आउट होना चाहिए था क्राइटेरिया मीट होने से पहले, ठीक है। ये सेपरेट अगर करना चाहें कर लें, लेकिन सेपरेट कैसे करेंगे करके तो बता दूंगा। ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें, क्या है पॉइंट नंबर 2 पढ़ें इधर, इंशाल्लाह याद आ जाएगा। मैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ क्लेम कितना लॉज्ड बाय कस्टमर, क्या मतलब लॉज्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने क्लेम किया है किस लिए, सप्लाइंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 2017 इसी साल हुआ। अकॉर्डिंग टू द टीएल्स लॉयर्स द चांस दैट क्लेम्स सक्सीड इज, जी सर क्या आप प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे इसकी, क्राइटेरिया देन मिला जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो पास्ट इवेंट बताएं क्या, प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव डिलीवर की थी और कस्टमर ने क्लेम कर दिया है, पास्ट इवेंट हो गया है उसकी वजह से प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, ये कैसे पता चला है प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज 80% मोर प्रोबेबल है, प्रोबेबल मीन्स क्या होता है, मोर देन 50% चांसेस प्रोबेबल है, प्रोविजन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, एंट्री बताएं जी, सिंपल एंट्री है, हायर प्रोविजन की डबल एंट्री के अगेंस्ट एक्सपेंस ने डेबिट होना है, प्रोविजन के अगेंस्ट एक्सपेंस ने डेबिट होना है, सवाय किस केस में, डिसमेंटलिंग जब एसेट ने डेबिट होना, तो प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन अगेंस्ट कोर्ट केस क्रेडिट, लीगल एक्सपेंसेस का तो एक्सपेंस का नाम रखना, एक्सपेंस डेबिट लीगल एक्सपेंसेस आप बोल लिखो। आ जाए सेकंड पॉइंट की एंट्री लिखो, लीगल एक्सपेंसेस कर लें, एक्सपेंसेस फॉर क्लेम कर लें, नाम रखना है एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, प्रोविजन क्रेडिट, अमाउंट बताए, नहीं बेटा अमाउंट तो 20 है, ये 80% क्या बताया हुआ है कि अमाउंट 80% जानी है, पैसे देने का चांस कितना है, ये 20 मिलियन में से 80% देने का चांस है या क्लेम हमारे अगेंस्ट होगा वो प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, हमने ये प्रोविजन बनाई क्यों है, जी ऑनलाइन आवाज ठीक है मेरी, आवाज ठीक होगी जी, आप लोगों ने एंट्री लिखी ऑनलाइन एंट्री तक होगी थी बात, एनी कंफ्यूजन जी, मैंने क्यों ये प्रोविजन बनाई है, पास्ट इवेंट हो गया क्या हुआ पास्ट इवेंट और उसकी वजह से कोर्ट केस हो गया, लीगल एडवाइजर क्या कहता है प्रोबेबल है और अमाउंट हमारे पास 20 मिलियन है, अनलेस वो ये भी बताता था कि इस 20 मिलियन का कोई और एस्टीमेट हमारे पास अवेलेबल है। चलो अगर सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में एक IS-2 की एप्लीकेशन आनी है, IS-2 कौन सा है, इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट, तो पढ़े जरा कैंडी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड आरबी जेन में रखते, एट द ईयर एंड 800 यूनिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट वर इंक्लूडेड इन द टीएल्स इन्वेंटरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000 per unit. All these units have the same defects. ये बेच नहीं है, कुछ बेचे भी हैं और लगता है कुछ पड़े भी हैं, उनमें भी डिफेक्ट है. Normal selling price of each unit is 2 lakh, 2 lakh. TL has already committed to sell 300 units to Jamal Enterprise at a price of rupees 2,20,000 per unit. ठीक है,
आम हालात में कितने का एक यूनिट बिकता है, लेकिन जो 300 यूनिट्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट शायद हुआ हुआ, हम बेच लेंगे या वो खरीद लेगा, एक ही बात है, हम बेच लेंगे वो खरीद लेगा। तो सेलिंग प्राइस जमाल इंटरप्राइजेज वाली जो फाइनल है वो 2,20,000 है, लेकिन आगे चले टीएल हैज एस्टिमेटेड दैट 80,000 पर यूनिट वुड बी इंकर्ड टू रिमूव द अबव डिफेक्ट्स, फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर ₹130,000 इन द करंट कंडीशन। क्या मतलब करंट कंडीशन? डिफेक्ट के साथ अगर बेच देंगे तो 130 का फिर भी बिक जाए। यहां से अब किस चीज की वर्किंग हो सकती है? इन्वेंट्री इज मेड एट डोर ऑफ कॉल सेंटर, अभी कितने यूनिट्स पड़े हैं? 800 यूनिट्स पड़े हैं, इनमें से प्रॉब्लम एक है, आइए छोटी सी वर्किंग करते हैं उसी में साथ समझ लेंगे, एक एंट्री के लिए जगह छोड़ लेंगे, छोटी सी वर्किंग करो। इसके अब सेग्रीगेशन होनी चाहिए शायद स्टोरी की, 800 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स की स्टोरी अब और है और 500 यूनिट्स की स्टोरी और, तो पहले वर्किंग कर लें 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। करना क्या चाह रहे हैं? हाँ जी, लोअर ऑफ कॉस्ट है ना, मेरा ख्याल है कि छोटी सी अगर वर्किंग करवा दें जरा, अरे भाई अगर हो जाए एक यूनिट की कॉस्ट बताए, सोच ले तसल्ली सोच, कॉस्ट पर यूनिट है 150,000, कॉस्ट जस्ट एक सेकंड, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी, आवाज इस वक्त ठीक है जी? कॉस्ट पर यूनिट है 150,000। एक छोटा सा क्वेश्चन शायद ज़हन में जरा इस वक्त दे लाएं, क्या डिफेक्ट आ जाने से कॉस्ट बदल जाएगी? नहीं, समटाइम दे नहीं, मतलब वो डेफिनेटली वो सेल प्राइस वगैरह तो चेंज होगी, लेकिन ज़हन में शायद ही आता है कि कॉस्ट बदल जाएगी। अगर खुदा ना खास आपने मोबाइल खरीदा और बाद में उसमें डिफेक्ट निकला तो या तो ये वापस हो जाए, और अगर वापस नहीं होना तो कॉस्ट वही रहेगी। हाँ, अब ये शायद बिकेगा कम प्राइस का, तो कॉस्ट 150 ही रहेगी। एक मिनट जरा सोचने पड़े, तो कॉस्ट पर यूनिट मैंने लिखी। आगे चलो, नेक्स्ट अब क्या करना है? एनआरवी से कंपेयर करना, सही वर्ड जहन में लाया, इंशाल्लाह उसमें ढूंढ लेते। अब एनआरवी कैसे आती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल, बेचने के लिए अगर कोई खर्चा होना। एस्टिमेटेड सेल प्राइस बताया मैं पहले 300 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, यकीनन 220 इसकी सेल प्राइस है, लेकिन हम एज इट इज इस कंडीशन में भी बेच सकते हैं। 220 हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, पहले मैं वर्किंग लिख देता हूँ। सॉरी, अगर 220 में बेच रहे हैं तो कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो 220 माइनस 80, 140 नेट एनआरवी बनेगी एक यूनिट की। एज इट इज कितने का बेचा जा सकता है? तो यकीनन हमें क्या करके ही बेचना चाहिए? सोचना सोचना, एज इट इज भी बेचा जा सकता है 130 का, लेकिन अगर रिपेयर करके सही करके बेचेंगे तो 220 बनता है। तो बताएं किस पे बेचना चाहिए? अब हमने तो लोअर ऑफ देखना होता है, मैं हायर देखने शुरू हो गया। लोअर किसका देखना होता है? कॉस्ट एंड एनआरवी का। अब यहां में एनआरवी दो नजर आ रही है, एज इट इज बेच के 130 कमाया जा सकता है, और सही करके भी इन 300 यूनिट्स को 220 का बेचा जा सकता है। हमें कौन से फिगर की तरफ जाना चाहिए? 140 मीन्स 220 का ही जमाल इंटरप्राइजेस को बेचना चाहिए, लेकिन 220 पे बेचने के लिए हमें 80 का फिर खर्चा भी करना पड़ेगा। यहाँ जब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ले रहा हूँ
ये मैं हायर ऑफ, हायर ऑफ ये एक सेकंड जरा फिगर में सॉल्व कर दूं, एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 220 लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस बताएंगे 80, एक एनआरवी क्या आई 140, एनआरवी पर यूनिट इफ सोल्ड, पहले वर्किंग की हमने इफ सोल्ड आफ्टर, आफ्टर क्या बट सही रुपये था नहीं, ये जो 80,000 था ये क्या था, रिपेयर करने आफ्टर रिपेयर, आफ्टर डिफेक्ट रिमूवल, और दूसरा फिर ये इफ सोल्ड इन करंट कंडीशन, जी व्हाट इज एनआरवी इफ सोल्ड इन करंट कंडीशन 130, अब 130 माइनस कुछ नहीं होना, ये फिर एज इट इज बेचना है करंट कंडीशन में विदाउट एनी एक्सपेंस, इन में से हायर क्या है, अब इन में से हायर लेने का मीनिंग क्या है कि हमें नहीं, हमें 140 की तरफ जाना चाहिए, तो 140 की तरफ जाने से लॉस कम होगा, तब ये 140 हमारी बन गई एनआरवी, ऊपर ढूंढने व्हाट इज कॉस्ट, क्या अभी भी लॉस है कितना, तो लॉस पर यूनिट इज 10,000, ये लिखें जी पहले एक्सप्लेन प्लीज कीजिएगा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट बात क्लियर हुई है, एक डियर फ्रेंड मिसिंग है आज, नहीं कॉस्ट के टाइम पे तो मेरा लगा बारिश नहीं थी, ये वर्किंग समझ आ गई सर, 500 यूनिट्स की वर्किंग खुद करें था, जी रिपेयर का अगर बाद बेचेंगे तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी, नहीं वो नेट बता रहे ना, ठीक है नेट 2,00,000 या 2,20,000, करंट कंडीशन में बेचेंगे तो 130, यहाँ किस कंडीशन में बेच देना चाहिए, करंट कंडीशन में बेच दें ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन स्टिल 20,000 लॉस पर यूनिट है,
जितनी पिछली चीजें बीच में आ जाए कम से कम इनका आइडिया जरूर सही होना चाहिए। ये एक लास्ट स्टेप बताना आपको। अब लॉस पर यूनिट तो मैंने निकाल दी है, लेकिन यहां से भी पहले टोटल अमाउंट आनी है। 300 यूनिट्स का टोटल लॉस क्या होगा और 500 यूनिट्स का टोटल लॉस, नहीं 10,000 और 20,000 पर यूनिट आया ना। तो जो 300 यूनिट्स है कॉन्ट्रैक्ट वाले मल्टीप्लाइड बाय 10,000, इन पे कितना लॉस है, 3 मिलियन बन जाना। और जो 20,000 पर यूनिट लॉस है वो कितने यूनिट्स पे है, 500 × 20,000, 10 मिलियन। व्हाट इज द टोटल लॉस, टोटल लॉस ड्यू टू लोअर एनआरवी। अब ये किस चीज का लॉस है, सही फिनिशिंग टच दीजिएगा। इन्वेंट्री का लॉस है, इन्वेंट्री का लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी आपके जहन में बार बार आ तो रहा है। इन्वेंट्री का लॉस कहाँ इफेक्ट करेगा, हाँ जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्रॉफिट एंड लॉस में ढूंढे कहीं इन्वेंट्री होती है, होती है होती है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती है, सर जी होती है सर, स्टॉक वहां भी होता है, डबल एंट्री होनी है ना यार, कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसी को याद आ जाएगा, कंसोलिडेशन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बन रही है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी, तो क्या एंट्री करते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक में से अमाउंट निकालनी ना प्रॉफिट की, स्टॉक कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है, हिम्मत 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 और प्रॉफिट अकॉर्डिंगली कम हो जाता है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक का लॉस है ये कॉस्ट ऑफ सेल को अफेक्ट करेगा और स्टॉक को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अफेक्ट करेगा, तो बताएं एंट्री क्या बनेगी, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा कितने से, ये मिलियंस में हो रहा है, जरा 13 करना पाएंगे, और डेबिट बताएं क्या होना है, नहीं मेरा ख्याल है नॉर्मल नॉर्मल लॉस वाली शायद ये स्टोरी नहीं है, ये IS2 में लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी की स्टोरी है, वो ठीक है नॉर्मल लॉस भी वहीं फाइनली चला तो जाता है, लेकिन ये सिंपली क्या हो रहा है, अपने जिन में कॉस्ट ऑफ सेल बनाए, जिस कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग बनाए, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है माइनस होता है लॉस आ रहा है, क्या हम क्लोजिंग स्टॉक कम करना चाह रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम करना चाह रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम हो जाता है क्या, बढ़ के, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के प्रॉफिट ने कम होना, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है, व्हाई द कॉस्ट ऑफ सेल इज डेबिट, ये तो बढ़ नहीं रही, क्यों बढ़ी, क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट ने कम होना, कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्टॉक के कम ज्यादा होने से का प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा रिलेशनशिप है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और ओपनिंग स्टॉक का, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है साल के एंड में, चलिए वाइंड अप करिए, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें, क्वेश्चन और करें, यहाँ दो एंट्रीज हो गई जी, अब इस पॉइंट नंबर टू में एक प्रीवियन बनी है और जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें लॉस रिकॉर्ड हुआ है, अब क्या करना क्या है, वाइंड अप करें, रिवाइज अमाउंट्स बनानी है, हेडिंग बनवाएं बिजनेस नेम के, ट्यूलिप एंटरप्राइजेस आधा पेज छोड़ा हुआ है, ट्यूलिप एंटरप्राइजेस लिमिटेड, रिवाइज अमाउंट्स किस किस की, एसेट्स हैं, क्या करेंगे, गिवन फिगर उठाएंगे और प्लस माइनस कर देंगे, करवा दें क्या करके करवा दें, टोटल एसेट्स बता दें पहले, करवा दें जरा प्लीज, पूरा करवाना है यार, वर्किंग में जाएं, एंट्रीज देखें, एक एंट्री देख के बोलें, कुछ एंट्रीज का फैक्ट शायद आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएगा,
बोल दें एंट्री सारी बोल दें, नहीं पहली एंट्री से शुरू कर लें, इक्विपमेंट डेबिट प्लस 360 हो जाएगा, माइनस 360 भी हो जाएगा, यकीन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिखा था कि नजर आ जाए। आगे चलें, प्लस 42 माइनस 72, हिम्मत एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन से क्या होगा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ के एसेट कम हो जाएगा, प्लस 42 क्या हुआ है, गेम बढ़ा दें आगे और बढ़ा दें, माइनस 73.78, प्लस नहीं होना इसने, प्लस एक्सपेंस में होना, प्रॉफिट में इसका इफेक्ट जाना, माइनस 7.51 अमोर्टाइजेशन बढ़ने से ऐसे इंटेंजिबल ने कम होना, और कुछ नहीं, यहाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस 13 कौन सा स्टॉक वाला ढूंढे, टिक लगाएं जो जो हो गए, 360 डेबिट इक्विपमेंट, 360 क्रेडिट इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट डेबिट 42, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 72, 73.78 माइनस इंटेंजिबल एसेट माइनस क्रेडिट एंड 7.5 एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस एंड फाइनली 13 कौन सा स्टॉक क्रेडिट, आंसर आ जाएंगे छोड़ने से, टोटल लाइबिलिटीज करवाएं, गिवन बताएं 1620, ड्यूनेट लाइबिलिटीज में क्या चेंज आना, ढूंढे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, प्लस प्रोविजन क्या चीज है, लाइबिलिटी है, लेकिन नॉर्मल लाइबिलिटी और प्रोविजन वाली लाइबिलिटी में बस फर्क क्या है, अनसर्टेनिटी है, बस अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अमाउंट। आगे नेट प्रॉफिट लिखवा दें, 398 पूरा करवाना है, माइनस कौन सा 30, आगे माइनस 73.78 कौन सा वाला रिसर्च एक्सपेंस वाला, माइनस 7 अमोर्टाइजेशन वाला, माइनस 20 लीगल एक्सपेंसेस वाला, माइनस 13, यार ये तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं माइनस में भाई जा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस हो रहा है, मेरी सजेशन है इंडिविजुअली प्लस माइनस दोबारा करें, ये आपने करवाया है तो आप बोर्ड से देखिए क्यों कर रहे हैं, इसीलिए तो देख रहे हैं कि हमने करवाया। या अल्लाह बच्चों की मदद कर, पढ़ना चाह रहे हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट ये है कि नहीं है, हाँ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जी टोटल एसेट्स फाइनल लेकर बता दो, 2575 टोटल लाइबिलिटीज 1640 एंड नेट प्रॉफिट 2533.71। जी ठीक है नमान साहब, आपने थोड़ा सा राउंड अप कर लिया। जी अहमद नवाज साहब बात बट आपकी ठीक है, लेकिन अगर आप ठंडे दिल से सोचेंगे तो इतनी भी ठीक नहीं है। पेज नंबर 449 पे सर क्लास टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि इस टाइम बारिश आ जाती है, आप बता सकते हैं कल किस टाइम बारिश आ सकती है।